नमस्कार आदरणीय रानी जी, रेखनी प्रयागराज। सैनिटाइज कर दिया जा रहा अनाज। कोंडियारा गोठी गांव में कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर लॉकडाउन के दौरान निःशुल्क एवं सस्ती दर पर अनाज वितरण का कार्य गोठी गांव में शुरू हुआ। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान देते हुए नियमों का पालन किया जा रहा। यही नहीं, सिर्फ 3 लाभार्थियों को ही दुकान परिसर में मौजूद रहने एवं बाकी सभी को बने 1 गोले की मीटर दूरी पर बने गोले में खड़ा रहने किया गया। वहीं सर्वप्रथम ई पॉस मशीन को सैनिटाइज किया गया एवं बायोमेट्रिक निशान से पूर्व कार्ड धारकों के हाथ को सैनिटाइज करने के साथ ही कोटेदार ने डेटॉल लिक्विड एवं साबुन से हाथ धुलवाने के बाद ही अनाज दिए। तो 55 लोगों को हम बांट चुके फ्री 55, और बाकी बट रहा है। लगभग 15.5 कुंटल गेहूँ बच चुका, चावल 15.5 कुंटल और 22 कुंटल कुछ किलो गेहूँ। और उसके अतिरिक्त सरकार के नियमों का पालन करते हुए सैनिटाइजर रखे हैं, हम सबका हाथ धुलवाते हैं, सबको जागरूक करते हैं, गोला बनाए हैं, गोला में सबको दूरी बनाकर खड़ा करते हैं और सबको ये बताते हैं कि अपने घर में रहो, साफ सफाई से रहो। ये 5 अप्रैल का मोदी जी ने आदेश दिया है दीपक, उसके लिए क्या 5 अप्रैल का 9 बजे सब लोग अपने घर का मतलब लाइट बुता करके दीपक जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे या तो मोबाइल का फ्लैश लाइट। गांव में अपने जागरूक करें। हाँ, गांव में सबको बता दिए हम, बता रहे अब बता रहे हैं जो बाकी हैं लोगों को।